हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जैसा कि कल एक कटिंग सर्कुलेशन में थी जो जिसमें यूनियन ने जो बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट को अथॉरिटी को एक लेटर लिखा है जिसमें स्टाफ मेंबर की वैकेंसी जो रिजेक्ट कर दी है उसको रिस्टोर की बात करी है, तो उसी को लेकर आप सभी की काफ़ी सारी ग्रीवेंस थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इफेक्ट जो जितनी भी वैकेंसीज अलाउड की थी आरआरबी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी पर पड़ने वाला है, इवन स्केल सेकंड थर्ड पे भी और क्लर्क पे भी, क्योंकि उसमें स्टाफ की बात करी ना कि स्केल वन की। अब मैं बात कर लूँ आगे की कि अब आगे क्या करना है। तो आपको अब डायरेक्ट ट्विटर कैंपेन चलाने का टाइम बचा नहीं है, तो आपको अब सीधा IBPS को ही अप्रोच करना पड़ेगा कि जैसे कि आपको पता है कि यूनियन जो है वो उनका बेस्ट ट्राई कर रही है कि वैकेंसीज कैसे भी करके रिस्टोर कर ली जाए। तो आपको IBPS को अप्रोच करना है कि जैसे ही वो वैकेंसीज रिस्टोर होती है तो जो भी नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका रिजल्ट रिवाइज करके प्रीलिम्स का रिजल्ट में उनको मेंस का चांस दिया जाए, ताकि वो लोग भी वो जो कैंडिडेट्स है गए वो भी मेंस दे पाए। अब अदर के स्टेट के कैंडिडेट्स बोलेंगे कि अब हमारा भी रिजल्ट होल्ड पर जाएगा। देखो ऐसा है कि वो किसी के साथ भी हो सकता था, है ना, आपकी स्टेट के साथ भी हो सकता था। तो अब आप भी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप सपोर्ट कीजिए, यूनिटी दिखाएं। अभी अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इन स्टेट में वो भी बोलेंगे कि बोले अब हम क्यों पार्टिसिपेट करें, हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है। देखो ऐसा है कि अभी सिर्फ आपने मान लो सिलेक्शन लिया कोई 100 वैकेंसीज पे, लेकिन जब वो रिस्टोर होगी वैकेंसीज तो 400-500 समथिंग हो जाएगी। अभी आपके चांसेस 100 वैकेंसीज पे थे, तब आपके चांसेस 500 वैकेंसीज पर हो जाएंगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो अभी यूनिटी दिखाने का टाइम है, अभी सपोर्ट कीजिए इन सबको जो भी नॉन सिलेक्टेड है या भी जो इशू चल रहा है वो, वरना यूनियन प्रेशराइज कर देगी, वैकेंसीज रिस्टोर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और IBPS उतने ही कैंडिडेट के ऊपर रिजल्ट निकाल देगा। और वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के चांस तो वैसे भी है ही, लेकिन उन कैंडिडेट्स को चांस नहीं मिल पाएगा बेचारे जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, जो काफ़ी टाइम से लगे हुए। तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करिए, अदर स्टेट वालों को भी मैं बोलूँगा कि आप भी करिए, आपके स्टेट के साथ भी हो सकता था। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ग्रीवेंसेस हैं वो डालेंगे IBPS में, उसका फॉर्मेट मैं आपको इस कमेंट कॉलम में दे दूँगा। तो उसको ज़रूर आप ग्रीवेंसेस डालिएगा, जितना हो सके उतना डालिएगा, ताकि IBPS को इस मैटर के बारे में थोड़ा पता चल सके कि स्टूडेंट है वो इस बारे में मतलब कंसर्न है। तो इस चीज़ को लेकर मैं पूरा एक ये फॉर्मेट है वो कमेंट कॉलम में दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर ऑन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।